सिंह साहब, सुप्रिया जी कई सारे आरोप लगा रही हैं कि रक्षा मंत्री सेना प्रमुख आप चाहिए तो सरकार की अनुमान तरफ बोल से सकते हो। हमेशा जो स्थिति इस वक्त एलएसी पर है, चीन से जो तनाव है, उस पर कोई ठीक से आधिकारिक बयान सामने नहीं आता है। 7 बार बातचीत हो चुकी है, उसकी जानकारी सामने नहीं आ पाती है। क्यों? देखिए, जहां तक बातचीत का सवाल है, वो मिलिट्री की मिलिट्री से आर्मी के स्तर पर बातचीत हो रही है। वो पब्लिक डोमेन में आना कोई जरूरी नहीं है, परंतु उसके अलावा देश के प्रधानमंत्री जी ने मीटिंग बुलाई थी, उसमें सारे जो दल थे उनके साथ बैठकर चर्चा करी, बातचीत करी, ये जानकारी दी कि क्या स्थिति है। हाँ, जहां तक स्थिति स्पष्ट की बात है, बड़ी स्थिति स्पष्ट है कि भारत का एक हिस्सा भी चाइना के पास नहीं है, ये बड़ा स्पष्ट है। अब इसमें बार बार, क्योंकि उनको फीड मिलता है, मैं सुन रहा था सुप्रिया जी को, उनको फीड मिलता है चाइना से कुछ बोलने के लिए, वो बोलते हैं। अब उसमें हम रोक नहीं सकते, उनके करारनामे हैं, उनके करारनामे के अंतर्गत जो उनको राहुल गांधी ने साइन किए थे और उनकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ, उसके अंतर्गत उनको बोलना है। उसके एवज में उनकी उनके राजीव गांधी फाउंडेशन पैसे मिलते हैं, कुछ उसके पढ़ता एवज है में क्या उनको गांधी बोलना वादी ही मत बोला पड़ेगा। करिए। अरे आप देखो बहन, मैंने आपको टोकने में सुन रहा था, आपको टोक सकता था, ये अच्छी बात नहीं है। और मेरे साथ डिबेट पे बैठना तो आप बिल्कुल टोका मत करें, आपका मौका मिले आपको पूरी बात कहिएगा। मैं तथ्यों से परे कुछ नहीं कह रहा, ये और ये ऐसे तथ्य हैं जो मेरे बनाए हुए तथ्य नहीं है, ये पब्लिक डोमेन में है कि राहुल गांधी ने सिंह चाइना की साहब, कम्युनिस्ट पार्टी के साथ आरबी जाकर सिंह साइन किए साहब, थे। सिंह साहब, हमने आपसे सवाल अपने बारे में पूछा, अपनी सेना के बारे में पूछा, विदेश मंत्रालय के बारे में पूछा, रक्षा मंत्री के बारे में पूछा, लेकिन आपने सीधे सीधे कांग्रेस और चीन की बात यहाँ पर कर दी। क्या आपको लगता है कि जो स्थिति है और सरकार को जो जानकारी देनी चाहिए, सरकार वो जानकारी पूरी ईमानदारी से दे रही है, देश के सामने रख रही है? स्थिति में जितनी जानकारी पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए उतनी जानकारी पब्लिक डोमेन में है और ठीक है, ठीक जानकारी है, इसमें तथ्यों में कोई गड़बड़ मैं नहीं कुछ है। बोलना चाहती हूँ। ठीक है, सुप्रिया जी एक एक रिएक्शन ले लें। आशुतोष जी और जनरल कुलकर्णी हमारे साथ। आशुतोष जी, क्या आपको लगता जी है कि एक ऐसा संवेदनशील मुद्दा, एक ऐसी बात जो देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता से जुड़ी हो, हमारी सीमाओं से जुड़ी हुई है, वहां पर सरकार का यह अधिकार है कि जितनी जरूरत है, जो सिंह साहब बोल रहे हैं कि जितना हमें देश को बताना चाहिए उतना हम बता रहे हैं, जो बातचीत होगी वो गुप्त भी हो सकती है, और क्या आप सहमत हैं कि ऐसा होना चाहिए या सरकार की जिम्मेदारी है कि वस्तु स्थिति से देश को अवगत कराया जाए, चाहे वो कैसी भी हो? आशु जी, देखिए, सबसे बड़ी बात इस पूरे मसले में विवाद कहां पे है। इस पूरे मसले में विवाद यह है कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार यह मानने के लिए तैयार नहीं है कि चीन अतिक्रमण करके हमारी सीमाओं के अंदर घुस आया है। सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है। और मैं आज बीजेपी के प्रवक्ता को याद दिलाना चाहूंगा, खुद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अपने बयान में, जो मैंने अभी आपके टीवी चैनल पर सुना, कि अतिक्रमण कर रहा है और अतिक्रमण किया है, दो शब्दों का इस्तेमाल किया, फिर उनका ताइवान और दूसरे इलाकों में भी। इसका मतलब आरएसएस प्रमुख भी मानते हैं कि चीन भारत की सीमा में अतिक्रमण कर चुका है या किया है उसने। दूसरी बात, यही सबसे बड़ी विवाद का मुद्दा है। और मैं आपको याद दिला दूं कि इस मसले पर सरकार को, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, शुड कम आउट क्लीन, साफ साफ गोई से बात करनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं ना कोई घुसा हुआ है, ना कोई घुस के आया है, और ना किसी पोस्ट पर कब्जा, कि किसी पोस्ट पर कब्जा तो नहीं है, तो मैं मानता हूं। लेकिन अगर मैं आपको 6 अगस्त की जो डिफेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर जो रिलीज है, वो बहुत साफ पहला पैराग्राफ अगर आप पढ़ लेंगे तो बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है, चाइनीज एग्रेशन हैज बीन इंक्रीजिंग अलोंग द एलएसी एंड मोर पर्टिकुलरली इन गलवान वैली सिंस मे 2020, द चाइनीज साइड ट्रांसग्रेस्ड। साफ साफ लिखा, चाइनीज साइड ट्रांसग्रेस्ड। अब आप देखिए, 6 अगस्त को आईएनबी मिनिस्ट्री की एक प्रेस रिलीज है, और आईएनबी की मिनिस्ट्री की जो प्रेस रिलीज है वो भी कहता है, एज रिगार्ड्स ट्रांसग्रेशन ऑफ एलएसी, इट वाज क्लियरली स्टेटेड दैट द वायलेंस इन गैलवान ऑन 15 जून अरोज बिकॉज ऑफ द चाइनीज साइड वाज सीकिंग टू आशुतोष रिएक्ट। जी, अब दो तीन चीजें हो गई, एक तो देखिए, डोमेन में दो चीजें हैं। प्रधानमंत्री जी, बीजेपी और सरकार ये स्पष्ट क्यों नहीं करती है कि चीन ट्रांसग्रेस करी है, चीन ने भारत की सीमा में अतिक्रमण किया है हम और आपसे एक वहां पर बात, आकर बैठा हुआ है। ठीक है, हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं आशुतोष जी।
कोई अगर अतिक्रमण करता है, अगर हमारे घर में या हमारी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करता है, तो क्या हम चुपचाप बैठे रहते हैं, उसे करने देते हैं, या उसका मुकाबला करते हैं, डटकर उसे भगाते हैं? क्या भारतीय सेना ने यह नहीं किया? हां, आप कह रहे हैं, मोहन भागवत ने कहा कि उन्होंने यह भी कहा कि विस्तारवाद नीति विस्तारवादी नीति है। दुनिया के कई सारे देशों से इस वक्त चीन का विवाद चल रहा है और अतिक्रमण करने की उसने कोशिश की, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता।